हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटी की डीयू। ये हमारा जनरल साइंस का वीडियो है फॉर आरआरबी जेई एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए, जिसमें मैंने फिजिक्स के एमसीक्यू को डिस्कस किया है। ये हमारा पहला पार्ट है। अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें एंड हमारे वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट aritic.edu.aritic.in और aritic.in से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ एट हायर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड पे ब्रीथ करने में डिफिकल्टी क्यों आती है? तो हमारा आंसर होगा ड्यू टू लो एयर प्रेशर। लो एयर प्रेशर की वजह से हायर अल्टीट्यूड में ब्रीथ करने में डिफिकल्टी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज मैक्सिमम एट। किस टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डेंसिटी ऑफ अ गैस मैक्सिमम होगा? तो हमारा आंसर होगा लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। At low temperature and high pressure, density of a gas is maximum. Next हमारा क्वेश्चन है, velocity of sound in air does not change with the change of. हमारा क्वेश्चन है कि साउंड का वेलोसिटी एयर में चेंज नहीं होता है, जब क्या चेंज करता है? हमारा आंसर होगा प्रेशर ऑफ एयर। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ प्रेशर ऑफ एयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस इज। हमारा आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन वाटर एक्वायर्स द स्फेरिकल शेप ड्यू टू। हमारा आंसर होगा सरफेस टेंशन। ड्यू टू सरफेस टेंशन, ए फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन वाटर एक्वायर्स द स्फेरिकल शेप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए बार द इंटायर बल्क ऑफ द बार गेट्स मैग्नेटाइज्ड। मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए बार के प्रोसेस में हमारा जो पूरा बार होता है, यानी कि इंटायर बल्क ऑफ द बार होता है, वो पूरा मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन सीवर विंटर इन कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप्स बर्स्ट बिकॉज। हमारा आंसर होगा वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग। कोल्ड कंट्रीज में सीवर विंटर में हमारा वाटर पाइप्स बर्स्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है हमारा वो एक्सपेंड करता है फ्रीजिंग में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द हेयर ऑफ शेविंग ब्रश क्लिंग्स टुगेदर व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम वाटर ड्यू टू। हमारा आंसर है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ। हमारा आंसर होगा एनर्जी। किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ बॉय सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग विथ द कॉन्स्टेंट स्पीड throws a ball straight up into the air. The ball falls. एक बॉय है जो एक ओपन कार में, एक ओपन मूविंग कार में एक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, एक बॉल ऊपर की ओर फेंकता है, तो बॉल जो है उसके पीछे गिरेगा, यानी कि the ball falls behind him. Next हमारा क्वेश्चन है, स्पेक्टेकल्स यूज्ड फॉर व्यूइंग 3D फिल्म्स हैव पोलराइड्स।
3D फिल्म्स में जो हम लोग स्पेक्टेकल्स यूज करते हैं वो प्लोराइड्स का बना हुआ होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट एलिमेंट्स इज यूज्ड टू ब्लॉक डीसी इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। हमारा आंसर होगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज यूज्ड टू ब्लॉक डीसी इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्मॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ। हमारा आंसर होगा स्मोक एंड फॉग। स्मॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट शुड अ पर्सन ऑन अ फ्रीली रोटेटिंग टर्न टेबल डू टू डिक्रीज हिज एंगुलर स्पीड। हमारा आंसर होगा स्प्रेड हिज हैंड्स आउटवार्ड। एक पर्सन को फ्रीली रोटेटिंग टर्न टेबल पर अपना स्पीड को डिक्रीज करना है तो क्या करेगा, वो अपना हैंड्स को आउटवार्ड निकालेगा, स्प्रेड हिज हैंड्स आउटवार्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ स्टॉर्म इज प्रिडिक्टेड इफ एटमोस्फेरिक प्रेशर फॉल्स सडनली। एक स्टॉर्म को हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं जब हमारा एटमोस्फेरिक प्रेशर अचानक से गिर जाएगा, यानी कि फॉल्स सडनली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन अ फोटो सेल लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। हमारा आंसर होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटो सेल में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साउंड कांट पास थ्रू। साउंड इन चारों में से किसे पास नहीं कर सकता है, तो हमारा आंसर होगा वैक्यूम। साउंड कांट पास थ्रू वैक्यूम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक द रेडियो वेव्स टू द अर्थ सरफेस। हमारा आंसर होगा आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर इज द लेयर ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर रिफ्लेक्ट बैक द रेडियो वेव्स टू द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई टू थिन शर्ट्स कैन कीप अस वार्मर देन अ सिंगल थिक शर्ट इन विंटर। हमारा आंसर होगा, एयर लेयर बिटवीन टू शर्ट्स बिहेव्स लाइक इंसुलेटिंग मीडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द स्विंग ऑफ अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ टर्बुलेंस कॉज्ड बाय विंड। द स्विंग ऑफ अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ टर्बुलेंस कॉज्ड बाय विंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन अ पर्सन वॉकिंग इन ब्राइट सनलाइट इंटर्स अ डार्क रूम ही इज नॉट एबल टू सी क्लियरली फॉर अ लिटिल वाइल बिकॉज द आयरिस इज अनेबल टू डायलेट द पुपुल इमिडिएटली। जब एक कोई आदमी ब्राइट सनलाइट से अचानक से कोई डार्क रूम में आता है तो वो सही से नहीं देख पाता है, क्योंकि जो हमारा आयरिस है वो पुपुल को तुरंत एडजस्ट नहीं कर पाता है इसलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट इलास्टिक। हमारा आंसर है स्टील। स्टील इज मोस्ट इलास्टिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट बाय ए रेक्टिफायर। एसी को डीसी में अगर हम लोगों को कन्वर्ट करना है तो हम लोग रेक्टिफायर का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द रीजन फॉर अ स्विमिंग पूल टू अपेयर लेस डीप
then the actual depth is refraction. Due to refraction, swimming pool appears less deep than the actual depth. Next hamara question hai, the type of mirror used in the headlamp of cars is, hamara answer hoga parabolic concave. Parabolic concave is a type of mirror used in the headlamp of a car. यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमें शेयर करें एंड हमें लाइक करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें. थैंक यू.